हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस में लाइट चैप्टर का पार्ट 6। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और इन दोनों फॉर्मूलास पे बेस्ड क्वेश्चंस। साथ में हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ लेंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है 1/v + 1/u = 1/f। और इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, जहां पे हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस या फोकल लेंथ निकालनी हो। तो जो इसमें v है वो डिनोट करता है इमेज डिस्टेंस, यानी पोल से और जहां पे इमेज बनी है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है इमेज डिस्टेंस, या हम उसको v से डिनोट कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें है वो है यू, जिसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, यानी पोल से जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या यू भी हम उसको बोलते हैं। एफ डिनोट करता है फोकल लेंथ, यानी पोल से और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा फोकल लेंथ, या उसको हम एफ भी बोलते हैं। ठीक। तो यहां पर जो एक चीज नोट करने वाली है वो ये कि कई लोगों को इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो उन लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि यू हम किसको रखें और वी हम किसको रखें। तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, अगर आप अल्फाबेटिकली देखो यू और वी को, तो यू जो है वी से पहले आता है। और सिमिलरली आप अगर इमेज और ऑब्जेक्ट में देखो, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा तब जाके उसकी इमेज बनेगी, यानी ऑब्जेक्ट पहले आएगा तब जाके इमेज आएगा। तो इन दोनों को ऐसे ही आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, यू कनेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के साथ क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आया और यू पहले आया। तो ऑब्जेक्ट कनेक्ट करो यू के साथ, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया हमारा यू, और v को कनेक्ट करो इमेज के साथ, यानी इमेज डिस्टेंस हो गया हमारा v। तो कहीं पे भी आपको अगर चीजें याद रखने में डिफिकल्टी होती है या कंफ्यूजन होता है, तो हमेशा उसको किसी ना किसी चीज के साथ रिलेट कर लो ताकि चीजें आसान हो जाए। तो बात करते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर की, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, और इसको हम इक्वल टू लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ इमेज को डिनोट करते हैं एच डैश से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं h से। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन m जो है वो इक्वल टू है h डैश अपॉन h, और इसको हम -v/u भी लिखते हैं। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन इक्वल टू लिख सकते हैं हम h डैश अपॉन h या फिर -v/u। तो अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स की। तो जो अभी हमने मिरर फॉर्मूला डिस्कस करा है उसमें जो हमने u, v और f की बात की है, तो न्यूमेरिकल में उनका कौन सा साइन लेके चलना है हमें, वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक मिरर रखा हुआ है हमने, और ये जो लाइन दिख रही है वो प्रिंसिपल एक्सेस को डिनोट कर रही है। ठीक। तो हम इस प्रिंसिपल एक्सेस को ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये एक्स एक्सेस है और ये जो मिरर रखा हुआ है वो वाई एक्सेस पे रखा हुआ है। और आपको पता है कि जो एक्स एक्सेस होती है वो राइट साइड में पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब जो भी चीज हमारी राइट साइड में रखी होगी उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक। तो डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी अगर फोकस इधर है या फिर इमेज इधर बन रही है तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक। इसी टाइप से हमें पता है कि एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड में नेगेटिव होती है, तो जो डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट होगा उसको हम नेगेटिव रखेंगे। तो जो भी हमने ऑब्जेक्ट रखा है इस साइड में, या इमेज बन रही है इस साइड में, या फोकस है इस तरफ रखा हुआ, तो वो सब हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। इसी टाइप से हमें पता है कि जो वाई एक्सेस होती है वो ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव होती है और नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव होती है। तो किसी भी चीज की हाइट हम प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर की डायरेक्शन में देखेंगे तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, यानी अगर ऑब्जेक्ट की हाइट या इमेज की हाइट ऊपर की डायरेक्शन में बन रही है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और अगर वो नीचे की डायरेक्शन में बन रही है तो वो नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब अपवर्ड हाइट जो होगी उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और जो डाउनवर्ड हाइट होगी उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो अब अगर हम और स्पेसिफिकली देखें कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जो हमें साइंस लेने यू वी और एफ के, वो किस साइड से लेने, तो उसको हम ऐसे देख सकते हैं। तो अगर बात करें कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट जो होगा वो लेफ्ट साइड में रखा होता है। ठीक है। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी क्योंकि वो लेफ्ट साइड में रखा होगा, तो u हमेशा हमारे पास नेगेटिव होगा। ठीक। अगर आप v की बात करें तो v होगी हमारी इमेज डिस्टेंस। तो अगर आपको ध्यान हो तो कॉनकेव मिरर की ज्यादातर इमेजेस जो होती हैं वो लेफ्ट साइड में ही बनती हैं, सिर्फ एक लास्ट वाला केस होता है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होता है, उसमें इमेज राइट साइड में बनती है। तो ज्यादातर केसेस में इसमें जो v होगा वो नेगेटिव होगा, सिर्फ लास्ट केस को छोड़ के, क्योंकि उसमें इमेज जो होगी वो राइट साइड में बन रही होगी, तो उस केस में v पॉजिटिव होगा। ठीक। तो v इसमें जो होता है वो नेगेटिव होता है ज्यादातर, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट केस।
तो बात करते हैं फोकल लेंथ की, तो जो कॉनकेव मिरर में जो फोकस होता है वो लेफ्ट साइड में ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि राइट साइड उसकी पॉलिश सरफेस होती है, तो उस तरफ तो फोकस होने से रहा, तो फोकस हमारा जो है वो प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में चीजें हमारे पास नेगेटिव होती हैं, तो इसलिए जो फोकस होता है इसमें वो हमेशा नेगेटिव होगा। अब अगर इसी टाइप से बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा वो लेफ्ट साइड में ही रखा होता है, तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। बात करें इसकी इमेज की, तो इसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा राइट साइड में ही बनती है, तो इसलिए जो इसकी इमेज डिस्टेंस होगी यानी जो वी हमने रखना है वो हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो बात करते हैं इसके फोकल लेंथ की, तो जो इसका फोकस होता है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब हम लोग मिरर्स पे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल कॉन्वेक्स मिरर पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक न्यूमेरिकल हम कॉनकेव मिरर पे भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर पे एक प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज फोकल लेंथ ऑफ 1.5 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो हमें एक कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है जिसका हमें फोकल लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर, उसका फोकल लेंथ है, और साथ में हमें यह भी बताया है कि उस मिरर से 5 मीटर की दूरी पे एक बस खड़ी है, और हमें पूछा है कि जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन, नेचर और साइज के बारे में हमें बताना है। तो क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है और हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है और जो फोकल लेंथ होता है वो दोनों राइट साइड में होता है, तो इसका मतलब जो वी का साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, F का जो साइन होगा वो भी पॉजिटिव होगा, और ऑब्जेक्ट क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड में रखा होता है तो ऑब्जेक्ट का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो 1.5 है, इसका साइन हो गया पॉजिटिव। U की जो वैल्यू होगी वो होगी -5, क्योंकि जो बस है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है जो कि 5 मीटर की दूरी पे रखी हुई है। अब हमें पता है कि 1/v + 1/u = 1/f होता है बाय मिरर फॉर्मूला। तो अगर यहाँ से हम 1/v की वैल्यू निकाल लें तो 1/v = लिख सकते हैं 1/f - 1/u। तो अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो 1/v = हो गया 1/1.5 - 1/-5। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं ये पॉइंट हटा लूँ तो ये जीरो ऊपर लगा लेंगे, तो 1/v = हो गया 10/15 + 1/5। ठीक है, अब 1/v = 10/15 + 1/5 आया हमारे पास। अब इसका हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये 1/v = हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो गया 15, तो ये हो गया 1/v = 10 + 3/15 which is equal to 13/15। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर ले तो v = आ जाएगा 15/13, अगर इसको डेसिमल में ले आए तो v = हो जाएगा 1.15 meters। ठीक है, वो भी पॉजिटिव। ठीक, अब जो पोजीशन निकालनी थी इसकी इमेज की, तो वो पोजीशन आ गई 1.15 मीटर्स पे, पॉजिटिव है यानी फिर मिरर के पीछे बन रही है इमेज। ठीक, और जब भी मिरर के पीछे साइड इमेज बनती है तो वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है, तो अब नेचर ऑफ इमेज भी हमें मिल गया वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज के लिए हमें मैग्निफिकेशन देखना पड़ेगा, तो मैग्निफिकेशन होता है -v/u। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज रख ली तो ये -1.15 हो गया, अपॉन में -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m = आ गया 1.15/5। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 आती है तो जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा, सेम साइज होंगे यानी। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी हो जाती है तो जो इमेज का साइज होगा वो डिमिनिश होगा, और वो बहुत छोटी आएगी तो हाईली डिमिनिश होगा। इसी टाइप से अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो वो इनलार्ज होगी, और बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आती है तो वो हाईली इनलार्ज होगी। तो यहाँ पे क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो मैग्निफिकेशन यहाँ पे आएगा अगर इसको हम डिवाइड कर ले तो ये 1 से छोटा आने वाला है, तो इसलिए जो साइज होगा उसका वो डिमिनिश होगा। तो अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर पे बेस न्यूमेरिकल की। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तो हमें एक ऑब्जेक्ट दिया है जिसका साइज है 4 सेंटीमीटर, और उस ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर के आगे रखा हुआ है, और उसकी फोकल लेंथ भी दी है 15 सेंटीमीटर। तो हमें जो इमेज बनेगी उसका पोजिशन, साइज और नेचर बताना है। तो क्योंकि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट का साइज दिया है 4 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हमें हाइट दी हुई है ऑब्जेक्ट की 4 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा होता है तो ये नेगेटिव होगा। बात करें इसके फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ भी इसमें नेगेटिव होगा क्योंकि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो हमें पता है कि 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f होता है मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो 1 by v equal to हम 1 by f minus 1 by u लिख सकते हैं यहां से, और यहां पे हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो 1 by v equal to हो गया minus 1 by 15 minus 1 upon minus 25। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई कर लें तो 1 by v equal to हो जाएगा minus 1 by 15 plus 1 by 25। तो अब इन दोनों नंबर्स का हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 by v equal to माइनस 5 प्लस 3 अपॉन 75। तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो ये 1 बाई वी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 75। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे v इक्वल टू आ जाएगा माइनस 75 अपॉन 2, जो कि इक्वल टू हो जाएगा माइनस 37.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास v की वैल्यू जो आई वो आई माइनस 37.5 सेंटीमीटर। तो जो पोजिशन ऑफ इमेज हो गई वो हो गई माइनस 37.5 सेंटीमीटर पे। नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो क्योंकि v की वैल्यू नेगेटिव आई तो इसका मतलब इमेज लेफ्ट साइड में ही बन रही होगी, और लेफ्ट साइड में जब भी इमेज बनती है तो वो रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो नेचर ऑफ इमेज हो गया रियल और इन्वर्टेड। और साइज ऑफ इमेज की बात करें तो उसके लिए हमें मैग्निफिकेशन देखना पड़ेगा। तो m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख लेंगे v की और u की, तो ये हो जाएगा 37.5 अपॉन 25। अब क्लियरली हमें दिख रहा है कि v की वैल्यू u से बड़ी है, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन भी 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा तो यानी ये एनलार्ज्ड होगा। तो अब बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की। तो लेंस फॉर्मूला को हम इस टाइप से एक्सप्रेस करते हैं 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f, जहां पे जो v है वो इमेज डिस्टेंस है, u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और जो f है वो फोकल लेंथ है। तो इस फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं जहां पर भी हमें या तो इमेज डिस्टेंस निकालनी हो या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी हो या फिर उस लेंस की हमें फोकल लेंथ निकालनी हो। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज की। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज को हम डिनोट करते हैं m से, और इसको लिखते हैं हम इक्वल टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो इमेज के हाइट को हम h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू हो गया h डैश अपॉन h, जिसको कि हम v अपॉन u भी लिखते हैं। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू हो गया h डैश अपॉन h या फिर v अपॉन u। तो अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज की। तो इसमें भी जो साइन कन्वेंशन होते हैं सिमिलर होते हैं जो हमारे मिरर में होते थे, ठीक। तो यहाँ पे जितने भी u, v और f की हम बात करेंगे उसमें जो भी चीजें हमारी राइट साइड में रखी होंगी x एक्सिस पे वो सारे हम पॉजिटिव रखेंगे, यानी जो डिस्टेंस टूवर्ड्स राइट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और जितनी भी चीजें हमारी u, v या f हमारा लेफ्ट साइड में रखा होगा x एक्सिस पे वो हमारा हमेशा नेगेटिव होगा, यानी डिस्टेंस टूवर्ड्स लेफ्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। इसी टाइप से जो भी हाइट हमारी ऊपर की डायरेक्शन में होगी, चाहे वो इमेज की हाइट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट की हाइट हो, वो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे हम, और जो भी हाइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो अगर अब हम साइन कन्वेक्शन की बात करें स्पेसिफिकली कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में, तो हम इसे स्पेसिफिकली इस टाइप से देख सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड में रखा होता है, तो इसलिए वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो यू जो होता है इसमें हमेशा नेगेटिव होगा। बात करें वी की, यानी इमेज डिस्टेंस की, तो इमेज जो है इसमें ज्यादातर केसेस में राइट साइड में बन रही होती है, तो वो ज्यादातर पॉजिटिव होती है, सिर्फ इसके लास्ट केस को छोड़ के जिसमें ऑब्जेक्ट जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होता है, तो उस केस में जो इमेज होती है वो लेफ्ट साइड में बन रही होती है, तो उस केस में v नेगेटिव होता है, वरना बाकी सारे केसेस में v जो होता है वो पॉजिटिव होता है। बात करें फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ इसका हमेशा राइट साइड में ही होता है, तो राइट साइड में होता है तो इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इसी टाइप से अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, तो कॉनकेव लेंस में भी जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा होगा, तो इसलिए यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। बात करें इमेज डिस्टेंस की, तो इमेज जो है इस केस में भी सारी की सारी लेफ्ट साइड में ही बनती है, तो इसलिए v जो होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। इसी टाइप से अगर इसके फोकल लेंथ की बात करें, तो वो भी हमेशा इसके लेफ्ट साइड में ही प्रेजेंट रहता है, तो इसलिए जो इसका फोकल लेंथ होगा वो भी ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो अब हम बात करेंगे लेंसेज पे बेस न्यूमेरिकल्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव लेंसेज पे न्यूमेरिकल्स की। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड नेचर एज वेल एज साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कॉनकेव लेंस दिया है जिसका हमें फोकल लेंथ भी दिया है 15 सेंटीमीटर,
और वो एक इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो हमें इसमें जो कैलकुलेट करना है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, साथ में हमें नेचर और साइज ऑफ इमेज भी बताना है। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस की, तो हमें पता है कॉनकेव लेंस में सारे जो साइंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, यू वी और एफ सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे फोकल लेंथ 15 दिया तो नेगेटिव का 15 हो जाएगा, वी की वैल्यू भी -10 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें यू निकालना है, तो हमें पता है कि 1/v - 1/u = 1/f होता है बाय लेंस फॉर्मूला। तो यहां से अगर हम 1/u की वैल्यू निकाल लें तो वो हो जाएगी 1/v - 1/f। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/-10 - 1/-15 = 1/u, जिसको हम सॉल्व कर लेंगे फर्दर तो हो जाएगा 1/-10 + 1/15 = 1/u। और अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा -3 + 2/30 = 1/u, इसको हम और सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -1/30 = 1/u, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो u इक्वल टू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमारे पास वो आ गई 30 सेंटीमीटर, नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि वो लेफ्ट साइड में रखा होगा, ठीक। तो अगर आप बात करें नेचर ऑफ इमेज की, तो क्योंकि हमारे पास जो वी था वो नेगेटिव में है -10, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो इमेज बन रही है वो लेफ्ट साइड में बन रही है, और लेंसेज में जब भी इमेज लेफ्ट साइड में बनेगी तो वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो सेंस वी इज नेगेटिव, देयरफॉर इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं अगर साइज ऑफ इमेज की, तो हम इसके लिए मैग्निफिकेशन देखेंगे, तो m इज इक्वल टू वी अपॉन यू हो गया। अगर इसको हम सॉल्व करें तो m इक्वल टू आ जाएगा -10 / -30, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल, तो m इक्वल टू आ गया 1/3। इसको अगर हम डिवाइड कर लें तो ये 1 से छोटी वैल्यू आएगी, और 1 से मैग्निफिकेशन की वैल्यू जब भी छोटी आएगी तो जो साइज होगा इमेज का वो डिमिनिश होगा। तो अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल की। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड नेचर पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट दिया है जिसको हमने कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर रखा है, और उसका फोकल लेंथ भी दिया है हमें 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस दी हुई है वो हमें 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें बताना है कि जो इमेज बनेगी उसका नेचर क्या है, पोजिशन क्या है और उसका साइज क्या है, और साथ में हमें मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो ऑब्जेक्ट को हमने परपेंडिकुलर रखा है तो उसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में ही रखा होगा, तो हाइट जो होगी वो पॉजिटिव में होगी, तो यहाँ पे हाइट हो जाएगी +2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमेशा राइट साइड में प्रेजेंट रहता है, तो इसलिए उसको भी हम पॉजिटिव रखेंगे, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर प्लस का। और यू की बात करें यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही प्रेजेंट होता है, तो ये आ जाएगा -15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पता है लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/v - 1/u = 1/f होता है, तो यहां से अगर हम 1/v की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा 1/f + 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/10 + 1/-15, तो इसको अब हम और सॉल्व कर ले तो ये 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/10 - 1/15, इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 3 - 2/30, जिसको फर्दर सॉल्व करने पे 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/30। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी +30 सेंटीमीटर। तो क्योंकि जो v की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए जो इमेज बनेगी वो लेंस के राइट साइड में बनेगी, तो सिंस v इक्वल टू +30 सेंटीमीटर, therefore position of image equal to जो होगा वो होगा 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और अगर नेचर की बात करें तो राइट साइड में इमेज बन रही है, तो लेंसेज में जब भी राइट साइड में इमेज बनती है तो वो रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो अब बात करते हैं इसके मैग्निफिकेशन की, तो जो मैग्निफिकेशन होता है वो वी अपॉन यू लिखते हैं, तो वी की वैल्यू आई थी हमारे पास +30 और यू की वैल्यू जो थी वो थी हमारे पास -15, तो एम इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन -15, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो m इक्वल टू आ जाएगा -2, यानी जो मैग्निफिकेशन होगा हमारा वो आएगा -2। तो क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, तो इसलिए जो साइज ऑफ इमेज होगा वो इनलार्ज होगा। अब कई लोगों के मन में ये डाउट हो सकता है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू हम 1 से ग्रेटर कैसे बोल रहे हैं, यहाँ पे तो नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ वैल्यू देखनी है हमें। अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तो वो इनलार्ज होगी, 1 से वो छोटी है तो वो डिमिनिश होगी,
वन है तो सेम साइज होगा। तो बात करते हैं पावर ऑफ लेंसेज की, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो इसको डिफाइन इस टाइप से किया जाता है, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंसेज। इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो जो लेंसेज की एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो लाइट रेज को या तो कन्वर्ज कर देते हैं या फिर वो डाइवर्ज कर देते हैं उन्हें, उसी को हम पावर ऑफ लेंसेज बोलते हैं। इसको अगर दूसरे टर्म्स में हम डिफाइन करें तो पावर ऑफ लेंस को हम रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ भी बोलते हैं। तो अगर फोकल लेंथ हमें मीटर्स में दिया है तो हम पी इक्वल टू 1/f लिख लेंगे, और अगर फोकल लेंथ हमें सेंटीमीटर्स में दिया है तो हम पी इक्वल टू 100/ फोकल लेंथ लिख लेंगे। तो आई होप आज हमने जितनी भी चीजें डिस्कस करी है वो आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये समझ में आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।